विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। करीब 2-2.5 महीने के बाद आज मैं एक बार फिर प्रभु कृपा से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जो भी कुछ घटना घटी वहाँ के लिए इतना ही कहा जा सके कि प्रभु इच्छा के आगे सब कोई विवश है। प्रभु की इच्छा, प्रभु सर्वोपरि है, प्रभु चाहे जो करें। आज प्रभु कृपा से फिर थोड़ो संबल रख करके, धैर्य धारण करके, भगवत कृपा से, महाप्रभु जी के आशीर्वाद से पुनः एक बार फिर कीर्तन से जुड़ने को प्रयास कर रहा हूँ। और वह दिशा में मैंने जो अपनी कड़ी छूट गई थी, जो भ्रमर गीत मैंने लास्ट यूट्यूब पे अपलोड किया थो, वाके बाद आज मैं युगल गीत को स्वस्वर पाठ अपलोड करने जा रहा हूँ। और वैसे यूट्यूब के माध्यम से या प्रकार से व्याख्यान करनो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो तदर्थ मैंने ऐसा विचार किया है कि जो भी कुछ युगल गीत के बारे में जो समझाने वालों भाग है, मैंने स्लाइड्स के बहाने स्लाइड को देख के पदच्छेदन में को युगल गीत को समझानो वो एक पार्ट में, और वहाँ को जो स्वस्वर पार्ट है वो दूसरे पार्ट में रखना है, ऐसा मैंने विचार किया है। तो यह पार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ पदच्छेद अन्वय करके, थोड़ा बहुत आपको परिचय आपको देना चाह रहा हूँ युगल गीत को। वाके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्वस्वर पाठ भी अपलोड कर दूँगा, वो भी तैयारी है। तो वाके बारे में अपन आज की तैयारी में देख लेंगे कैसे हो रहा है वो। बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी स्वस्वर पाठ मैंने कियो है, वैसे युगल गीत के भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिले हैं, लेकिन उनमें जा प्रकार की धुन सेट करी गई है युगल गीत गाने के लिए, वो मेरी दृष्टि से मोकू इतनी उचित नहीं लगे है, योग्य नहीं लगे है, और गाने के लिए वह मैं सौकर्य नहीं है। ये जो धुन आप सुनोगे वो मैंने इमन में निबद्ध करी है, तो प्रयास कियो है और आपको कहरवा ताल में निबद्ध करके मैंने गाने को प्रयास कियो है। तो प्रभु कृपा सु कितनों सफल भयो हूँ ये आप लोग जरूर मुको मैसेज करके बताइयो। हर वक्त की तरह आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अपन वो युगल गीत को प्रकार समझें और वाके बाद विश्व स्वर पाठ को भी सुने। तो तब तक के लिए सबन को मेरे सहृदय भगवत स्मरण। विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। तो आज पुनः एक बार फिर आप लोगों के सामने में आज युगल गीत के पदच्छेद और अन्वय और भावार्थ के साथ उपस्थित हूँ। और आज को ये युगल गीत को स्वस्वर पाठ शुरू करवे से पहले युगल गीत को कुछ पूर्व भूमिका के रूप में संक्षेप में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। वैसे तो इतना अवकाश नहीं रहा है इन सब चैनल इनके माध्यम से या प्रकार को बोलने में, लेकिन फिर भी प्रासंगिक है, या लिए थोड़ा समझाना पड़ रहा है। वैसे आप सबन को ये पता होगी कि ये भागवत में कुल जो है यूँ तो 5 गीत हैं, और यूँ कितने लोग तो 7-8 गीत भी बोले हैं, लेकिन मुख्यतया जो है अपन 5 गीत मान के चलें, मतलब भ्रमर गीत, युगल गीत और वेणु गीत और गोपी गीत और 5वां प्रणय गीत जो जामे ब्रज भक्तन की जो है प्रश्नोत्तरी है ब्रज भक्तन की और ठाकुर जी की। तो उनमें सो आज ये वाह कड़ी में ये दूसरो गीत
युगल गीत आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब या युगल गीत में वैष्णव मैं सिर्फ या को पूर्व परिचय के रूप में इतना बताना चाहूँगा कि भागवत को जो अध्याय योजना है और सुबोधि जी की जो अध्याय योजना है उनमें तीन अध्याय को फ़र्क आ रहा है, वो मैंने पिछली बार भी आपको समझाई थी। जो तीन अध्याय इनको फ़र्क है वो प्रक्षिप्त अध्याय इनके कारण आ रहे है, वो चर्चा खैर अभी अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भागवत के जो शुरुआत को जो प्रकरण है तामस प्रकरण, जन्म प्रकरण के बाद दूसरा प्रकरण तामस प्रकरण, और तामस प्रकरण के उप प्रकरण हैं प्रमाण प्रमेय साधन और फल सात सात अध्याय वाले। तो तामस फल प्रकरण के अंतर्गत ये सबसे छेलो फल प्रकरण को सातवां अध्याय 35वां अध्याय भागवत के अनुसार और सुबोधि जी के अनुसार 32वां अध्याय है, जहाँ में ये वर्णन आ रहा है। महाप्रभु जी के जो अध्याय को अर्थ करने की योजना है वह में महाप्रभु जी या तरसु अर्थ करें कि सात सात अध्याय के चार उप प्रकरण महाप्रभु जी ने चुने हैं तामस प्रमाण प्रमेय साधन और फल के। तो उन सात अध्ययन को अर्थ करते समय महाप्रभु जी ठाकुर जी के षट धर्म को निरूपण और एक धर्मी को निरूपण करके इन सात चीजन को निरूपण अध्ययन के माध्यम से वह योजित कर रहे हैं वहाँ। तो वह कड़ी में अपन को ये देखना चाहिए कि ये जो अध्याय है वो महाप्रभु जी के हिसाब से ज्ञान निरूपक अध्याय है। जो तामस फल प्रकरण को जो प्रथम अध्याय है तो जहाँ मैं रासलीला का प्रारंभ तो वो ऐश्वर्य गुण को निरूपण माँ में आयो। दूसरे अध्याय में जो है महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वहाँ में यातरसु जो है वो वीर को निरूपण आयो, और तीसरे अध्याय जो गोपी गीत है तो वहाँ में यश को निरूपण आयो, और चौथे अध्याय में जहाँ मैं भगवत गुणगान की प्रक्रिया के द्वारा गोपीकान के जो गर्भ रूप दोष को प्रक्षालन कियो तो वहाँ में श्री को निरूपण आयो। तो ऐश्वर्य वीर यशश्री और ये जो पांचवा अध्याय है जो महाराष्ट्र अध्याय है वहाँ में महाप्रभु जी बता रहे हैं कि धर्मी को निरूपण आ रहे है, साक्षात जो धर्मी है वह को निरूपण आ रहे है। और वाक्य बाद जो है छठे अध्याय में जो है वो वैराग्य को निरूपण आ रहे है, और ये जो सातवां अध्याय है जाको अपन युगल गीत कह रहे हैं वहाँ में महाप्रभु जी के हिसाब से ज्ञान धर्म को निरूपण आ रहा है। अब यहाँ पे एक सूक्ष्म बात ये देखनी पड़ेगी कि संयोग को जब अंतराय हुए है वियोग, मैं आपको एक सूक्ष्म बात ये बता दूँ कि अपने यहाँ ठाकुर जी को उभय भावात्मक मानो रहो है, मतलब प्रभु संयोगात्मा भी हैं और प्रभु वियोगात्मा भी हैं। तो जब अपन प्रभु को अपन दोनों तरह से मान रहे हैं, और श्रुति जब ठाकुर जी को रसो वैसा कह रही है कि वो निश्चय रूप से रसात्मक है, तो संयोग की स्थिति में भी रसात्मक है और विपयोग की स्थिति में भी रसात्मक है। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क यहाँ पड़ेगा कि जब संयोग में ठाकुर जी को अपने को बाहर अनुभव होएगा और वियोग में ठाकुर जी को आंतर अनुभव होएगा। और ये बात अपने को स्मरण रखनी चाहिए कि ये जो प्रभु की संयोग अवस्था और प्रयोग अवस्था को वर्णन इन गीतन में आ रहे है वो अपन आधुनिक भक्तन को ध्यान में रख के निरूपण नहीं है, ये अपनी बात नहीं चल रही है, ये ब्रज भक्तन की बात चल रही है। कारण कि अपन को तो न बाहर अनुभूत हो रहे हैं और न आंतर में अनुभूत हो रहे हैं। तो ये तो ब्रजभक्त ठाकुर जी को जा प्रकार से बाहर और अंतर जैसे अनुभव करते थे वाको वर्णन यहाँ भागवत कर रही है। तो ऐसा है कि जब बाहर भी संयोग है और अंदर भी संयोग है तो वह रास की स्थिति है, और जो बाहर विप्रयोग है और अंदर संयोग है वो वेणु गीत और युगल गीत है। इतना मैं आपको कहना चाहूँगा। और बाहर भी विप्रयोग और अंदर भी विप्रयोग है तो वह या तो गोपी गीत हो सके या भ्रमर गीत हो सके, और जो बाहर संयोग है और अंदर विप्रयोग है तो वो तो साधना अवस्था है,
वो फलावस्था नहीं है। वाकोबिक अध्याय मैवम विभोर अरहति भवान गदित मृषंसम संतज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम प्राप्त वाले जो अध्याय है वामे वाकोवर्णन आर्य है। तो ये खैर सूक्ष्म रूप में आती बातें, बहुत विस्तार से कही जा सके ये बातें, लेकिन इतना अवकाश नहीं है। लेकिन इतना आप मान के चलो कि या गोपी गीत में फला अवस्था का वर्णन है, कारण कि जो है बाहर विप्रयोग है लेकिन अंदर संयोग है। ब्रजभक्तन को ब्रजभक्त ये जो ठाकुर जी गौचरण करवे पधारे हैं, गौचरण करवे जो वन में पधारे हैं, और जो ब्रजस्थ जो गोपिकाएं हैं वो घर में घर को काम करती भई ठाकुर जी को अनुभव कर रही हैं अपने घर में, ये जो अवस्था है ये याकू या तो वेणुगीत कह लो या तो युगल गीत कह लो। तो वामसु ये वेणुगल गीत को वर्णन जो है मैं आपको या मैं आज बता रहा हूँ। तो या को मैंने पदच्छेद और अन्वय भी कियो है और भावार्थ भी कियो है, तो वो आप देखो कैसे होएगो। तो ये आपके सामने पहली स्लाइड आ रही है। पहली स्लाइड में आप देखो कि गोप्यः कृष्णे वनम याते तमनुद्रत चेत, तो हरे रंग में मैंने जो है मूल श्लोक दिया है और पीले रंग में जो है लाल अक्षर में वाको मैंने भावार्थ दियो है। हरे मैंने जो काले रंग के अक्षर हैं हरे बॉक्स में वो मूल श्लोक को मैंने अन्वय वा में बताया है, और पीले रंग के बॉक्स में जो लाल अक्षर में जो वो दी बही बात है वो है वाको अनुवाद भावार्थ। तो अन्वय पदच्छेद आपको यहाँ पे भी दिख रहे होएगो। तो कैसे या मैं गोप्य कृष्ण वनम याते तमनुद्रुत चेत सह कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निज दुखेन वासरान, मतलब कह रहे हैं कि कृष्ण वनम याते, श्री कृष्ण जो हैं वो वन में जब जावे हैं तम उनके अनुद्रुत चेत सह, पीछे जिनको चित्त चले जाए है ऐसी जो श्री गोपीजन हैं गोप्यः वो कृष्ण लीला प्रगायन्ते, वो श्री कृष्ण लीला को गान करती भई दुखेन वासनान निन्यो हूँ, दुखी होके दिन बिता रही हैं। ये पहलो श्लोक है। अब याके बाद के जो सारे श्लोक हैं ना वो सारे युगल में चलेंगे। तो युगल को अर्थ ये है कि पहले श्लोक में वेणु को वर्णन आवे है और वाके बाद वालों जो श्लोक है वहाँ में वेणु को प्रभाव जाके ऊपर पड़ रहे है वाको वर्णन आ रहे है करके ऐसे युगल श्लोक हैं ये। तो पहले श्लोक में ये तो उपक्रम है और छले श्लोक में 26वें श्लोक में उपसंहार आएगा, और बीच के जो 24 श्लोक हैं वो एक एक मास के हिस्सू एक एक आप गिन सको वामसु भावना बताइए टीकाकरण ने वहाँ, अपन वाक्यों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ मूल श्लोक अन्वय पदच्छेद और भावार्थ इतनी सब बातें देखेंगे। तो दूसरे श्लोक में देखो ये बात आ रही है, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रू अधरार्पित वेणुम गोप्य, मतलब कह रही हैं कि गोपी दूसरी गोपी उनसे कह रही है, वो ये कह रही है कि अरे भाई तुम एक आश्चर्य की बात तो सुनो कि वाम बाहु कृत वाम कपोल, उन्हें बाएं कंधे पे बायों कपोल धर के वलगित भ्रू, उन्हें नाचती जो भ्रुकुटी वाले मुकुंद श्री कृष्ण भगवान हैं वो यत्र जब कोमलांगुली भी अपनी कोमल उंगलियन के द्वारा आश्रित मार्गम वेणुवन के वेणु के छिद्रन को भरते भय अधरार्पित वेणु ईरयती अधर पे रखी वेणु को जब बजावे हैं, तो देखो ये वेणु को कैसे बजा रहे हैं वेणु कैसी है वाको वर्णन आए। अब याको प्रभाव जिनके ऊपर पड़ रहे है वाको वर्णन तीसरे श्लोक में आ रहे हो। ऐसे हर युगल श्लोक को या मैंने एक पेज में दूसरों दो श्लोक नहीं आ रहे हैं करके वाकू मैंने अलग अलग स्लाइड में वाकू बनाया है, आप वाकू जोड़ के चलियो। तो तीसरा श्लोक है वो पहला युगल है, पहले युगल की समाप्ति।
तो यहाँ कह रहे हैं कि व्योम यान वनिता, जब ठाकुर जी बजा रहे हैं वेणु जी, तब क्या हो रहा है कि व्योम यान वनिता, आकाश में प्रयाण करती भई जो विमान में बैठी भई जो देवस्त्रियां हैं, तो वो जो देवस्त्रियां हैं सिद्धई सह अपने स्वयं के पतियन के साथ जो है, तद मने वा वेणु गीत को विस्मिता सुन के आश्चर्य को प्राप्त हुए हैं, और काम मार्गण समर्पित चित्ता, काम बाणसु परवश चित्त वाली हो जाए हैं, और अपस्मृत निव्य मने वस्त्र ग्रंथियन को भूलती भई सलज्जा लज्जा युक्त हो करके कश्मलम हेयु मोह को प्राप्त हुए। बहुत सुंदर वर्णन है, मने ये या तरह की मोह को वो प्राप्त हो, उनको ये बात को भी ख्याल नहीं रहे है कि उनकी नीवी खुल गई है या उनके वस्त्र मने अव्यवस्थित हो गए हैं। वाक्य बाद जो है दूसरे युगल में ये बात आ रही है, यूं कह रहे हैं कि हंत जो है वो खेद जनक है। मामे यूं कह रहे हैं कि खेद है, क्या खेद है कि हे अबलाओ अबला इदम चित्रम श्रुणुता, ये आश्चर्य की बात सुनो। वो क्या है आश्चर्य की बात, तो कह रहे हैं उरसी हार हासा, उरसी मने अपने हृदय पे हार हासा लहरा, तो वह जो हार है वामे हास्य की किरणें ऐसी जान पड़ रही हैं कि मानो श्याम मेघ पे स्थिर विद्युत मने बिजली स्थिर रूप से बैठ गई है। मने यूं कह रहे हैं कि वक्षस्थल पे जो सुनहली रेखा है वो तो ऐसी जान पड़ रही है कि मान लो कि कोई श्याम मेघ पे बिजली ही स्थिर रूप से निवास कर रही है, और वो जब दुखी जनन को सुख देने के लिए अयम आर्त जना नाम, नंद कुमार जो है दुखी जनन को नर्मदा आनंद देवे के लिए जब वेणु बजावे है, तब क्या हुए है ये दूसरे युगल की समाप्त। मृग गाव मतलब हिरणे और गायें भी इकट्ठे हो करके दांत सु तोड़े हुए घास को मुख में धारण करे हुए दंत दष्ट कवला और धृत करना मने कान ऊंचे करके निद्रिता सो रहे हो, और लिखित चित्रमिव आसन, और भीत पे लिखे हुए चित्र के समान हो गए। मने क्या हो गए हो कि यूँ कह रहे हैं कि उनकी ऐसी दशा होनी स्वाभाविक है, मने ऐसा उनको लगे कि अपन को ऐसा लगे कि वो केवल भीत पे लिखे हुए चित्त हैं, या प्रकाश स्थिर भाव से खड़े हो जाएं मानो सो गए हो निद्रिता। ये वेणु को प्रभाव देखो या ढंग से पड़ रहा है ये बता रहे हैं। अब आके बाद तीसरे युगल में कह रहे हैं कि आली बरहिणस्तवक धातु पलाशयी बद्ध बल्ल परिबरह विडम्ब, अरे हे सखी मोर पिच्छ के गुच्छा गैरिक आदि धातुएं और कोमल पत्रन के द्वारा बांधो गयो जो ठाकुर जी को मल्ल वेश है, मल्ल वेश को अनुसरण करते हुए प्रभु मतलब मल्ल काश को श्रृंगार करे हुए प्रभु, जब सबल बलभद्र के साथ मुकुंद जे जो प्रभु है यत्र जब सगोत्र ही अपने गोपन के साथ गाह समाह्यति मने गायन को वेणुनाथ के द्वारा बुलावे है, तब क्या हुए है, तब ये हुए है कि तब जो है नदियन की गति भी रुक जाए है भग्न गताया, वही मतलब निश्चित रूप से, और स्प्रहयति वो नदी ये चाहे है, क्या चाहे है कि अनिल नीतम तत्पदाम बुज रजा, वायु उड़ा के उन श्री कृष्ण के चरण कमल की रज हमारे पास पहुंचा दे, माने नदी
छोरा को यूं कह रही हैं, मने ब्रह्मा ब्रह्मा वगैरह को भी नहीं खबर है, और शिव जी को भी नहीं खबर है, न इंद्र को खबर है, ये सब संगीत के निष्णात माने जाएं, उनको भी नहीं खबर है, उनसे अवर्णित स्वयं सीखी भैया, और स्वयं सीख के स्वर जाति अधर बिंबे दत्त वेणु हूँ, मैंने उनको अपने अधरोष्ट पे वेणु बजा के, ये जो तुम्हारा पुत्र जब वेणु बजावे है तब है वो कह रहे हैं कि तत् सवनशा उपधार्य, उन वेणुअन की षज्ज इत्यादि परम मोहिनी जो स्वर जातीय हैं उनको मध्यान्ह के सवन में सुन के, मैंने ये तीन ही सवन है, तीन ही सवन आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि देविक, मैंने लोक में जो प्रचलित सवन हैं ये जा काल में प्रभु वेणु बजा रहे हैं, वाको तो इन लोगों को कोई को ज्ञान ही नहीं है इंद्र शिव और ब्रह्मा आदि को, या लिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शक्र सर्व और परमेष्ठी, शक्र मतलब इंद्र, सर्व मतलब शिव, और परमेष्ठी मतलब ब्रह्मा, ये जितने भी देवताएं हैं जो वेणु शास्त्र को जानने में निपुण हैं, निपुण हैं तब भी वेणु गान के भेद को समझ नहीं पावे, अनिश्चित तत्वा और आनत कंधर चित्ता, अपने कंधा को झुकाते भय मोहित होकर के संदेह युक्त बन के मूर्छा को प्राप्त हो कि ये बजायो क्या, क्या बजायो प्रभु ने, कैसे बजायो, कहाँ से सीखे हो, ऐसा सब उनको मोहित हो रहा है, मोहित हो रहे हैं, उनको संदेह हो रहा है, ये ऐसी प्रभु की ना। वाक्य बात जो है अगले बारे में अगले युगल में कह रहे हैं, अगले युगल में ये बात कह रहे हैं कि ध्वज वज्रांकुश विचित्र ललावई, माने ध्वज वज्र कमल अंकुश आदि का विचित्र चिन्ह वाले जो ठाकुर जी के चरण कमल हैं, उन चरण कमल की उंगली अंशु, ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, देखो याको पूर्व आपको बताऊं कि क्या मतलब है याको कि ठाकुर जी गौचरण कर रहे हैं ना, तो जब गौचरण कर रहे हैं तो ये जो ब्रजभूमि है वो गायन के खुरसु खुद जा रही है, और ठाकुर जी वाके खुद जाने गायन के खुरसु जब भूमि खुद जावे तो भूमि को बड़ी पीड़ा होवे, तो वह पीड़ा को ठाकुर जी अपने चरणार बिंदसु वाको शमन कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, वाके दुख को दूर कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि वश्म धुर्रति ईरित वीणु, महावृषभ के जैसी जो ठाकुर जी की मंद गति है वासु चलते हुए ठाकुर जी जो है वेणुनाद करते करते व्रजति मतलब गमन कर रहे हैं, तब जो है उनकी विलास युक्त चितवन जो है हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा को आवेग जो है बढ़ा दे है, और हम जो है वास में वृक्षवत स्थावर दशा को प्राप्त हो जाए, स्थावर दशा मतलब स्थिर हो जानो, अचल हो जानो, यूं कह रही हैं गोपी कि हम जो हैं ऐसी हो जाएं, और तो और क्या हो जावे है, मूर्छा आ जावे सु, हमको ये भी नहीं पता चले कि हमारो केश पाश खुल गयो है अथवा वस्त्र उतर गयो है या को भी होश नहीं है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है विष्णु को, ये साधारण लोगन को तो सपना में भी नहीं हो सके, ये बात आप लोग सोच के चलियो, बात बता रहे हैं कि मणिधर क्वचिद आगणया नगा मालया दैत गंध मालया गंध तुलस्या, कह रहे हैं कि कोई समय ठाकुर जी की जो तुलसी की जो माला है वह तुलसी की मणियन सु गायन की गिनती करें ठाकुर जी गा आगणयन दैत गंध तुलस्या, तुलसी क्यों सु क्यों कर रहे हैं भाई, तो कह रहे हैं कि स्वयं को प्रिय है तुलसी की गंध, और ऐसी तुलसी की माला से ठाकुर जी शोभित हैं, तो गायन को जो आदिदेविक रूप है वहाँ मणियन की माला को धारण करने वाले जो कृष्ण हैं वो अपने प्रिय मित्र के कंधा पे कोई समय श्रीहस्त धारण करते भय जब गान करें हैं, माने ठाकुर जी की आप अदा कह लो तो अदा के अपने मित्र के कंधा पे हाथ धरे है, वो कुम्भनदास जी कहवे हैं ना कि वो देखो आवत हैं सखी बाहक बाह
पिछोरा खासा को कटि बांधे, ये जो पद में देखो कुंभनाथ जी ने यही दशा का वर्णन किया है। तो या ढंकू ठाकुर जी जो है मित्र के कंधा पे हाथ धर के जब ठाकुर जी गान कर रहे हैं वेणु सु, तब वह वाको प्रभाव बता रहे हैं कि वेणु के नाद सु जिनके चित्त को हरण भय है, ऐसी जो कृष्ण सार मृगन की पत्नियां हैं माने हरिणियां हैं, वो भी ये जो गुण के समुद्र रूप जो हैं प्रभु हैं उनके समीप जाके घर की आशा छोड़ दें हैं। ये हरिणियाँ गोपिका एव अनवासता माने गोपियन के समान कृष्ण के समीप जो हैं दौड़ के आ जाऊँ, ये वाक्य प्रभाव ये पड़े है। और वाक्य बात कह रहे हैं वैष्णव के, हे अनये हे यशोदा कुंद पुष्पन की माला सु जिनने श्रृंगार कियो है, ऐसे वो गोप गोधन अव्रता गोपसु और गोधनसु घिरो वह जो तुम्हारो पुत्र है माने ये जो नंद कुमार है वो प्रेमी सखान को सुख प्रदान करे है, और उनको सुख प्रदान करते हुए जब वो यमुना जी में विहार करे है तो कह रहे हैं कि जो मंद वायु है हवा जो है वो कैसी है कि मलयागिरी के चंदन की सुगंध वाले शीतल स्पर्श सु, हवा भी इतनी मंद और ठाकुर जी को स्पर्श करके चले है और वह को सम्मान करे है प्रभु को तुम्हारे, और अनुकूलता सुबह ने ये नहीं ये बहुत तेज बह रही है कि सब उड़ रहे हैं सब यहाँ वहाँ अस्त व्यस्तता हो रही है, नहीं नहीं बहुत अनुकूलता सु बह रही है। और जब या ढंग सु बहुत सुहाने ढंग से जब जो है वो शीत माने वो चल रही है वायु, तब जो है उपदेवगण मतलब गंधर्व सिद्ध विद्याधर आदि जितने भी देव हैं वो गाने बजावे की सामग्री जो है वासुयुक्त हो करके उन श्री कृष्ण को चारों तरफ से घेर ले हैं और उनको भेंट देते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। ये युगल गीत के या युगल में आए के बाद या युगल में ये ग्यारहवां युगल है, वामे यूँ कह रहे हैं कि हे सखी श्याम सुंदर तो ब्रज की गौवन को माने ब्रज की गौवन से बड़ो प्रेम करें हैं, क्यों करें हैं कारण कि उनकी रक्षा के लिए तो उनने 7 दिन तक अगध माने गोधन पर्वत धारण किए, तो अब वो सब गौवन को लौट के आते ही होंगे, इस सायंकाल होने पर भी देर क्यों हो गए है, अरे भाई अभी तक नहीं आए प्रभु, कहें कि संध्या आरती के समय को युगल गीत हो गए और ठाकुर जी तो पधारे नहीं अभी तक। तो ये ब्रजस्थ जो ब्रज गोपिकाएं हैं वो घर में यह बात को सोच रही हैं कि अभी तक क्यों नहीं आए हो। अच्छा ऐसा होएगो कि मार्ग में जो पथि वृद्ध ही माने बड़े बड़े वयो वृद्ध ज्ञान वृद्ध वंदना जो उनकी करने लगे हैं, वंदेमान चरणा अनुगेड़ित कीर्ति जाकी कीर्ति को गान करते रहे हैं, तो ऐसे जो प्रभु हैं सायंकाल में माने दिन के अंत में गीत वेणु गीणों को बजाते भय समग्र गोधन को लेकर के माने आपकी जो पूरी सामग्री है गोप गोपाल वगैरह सबन को लेके जब प्रभु पधारे हैं, तब खुररदक छुरितस्त्र का गाय की जो खुररज है वासु जिनकी माला व्याप्त हो गई है, ऐसे श्रम की कांति के द्वारा भी संबंधियन के नेत्र को उत्सव करावे हैं ठाकुर जी, ऐसे प्रभु हैं। वो प्रभु कैसे हैं तो कह रहे हैं देव की जठर भू माने देव की के गर्भ से उत्पन्न होने वाले ये जो चंद्रमा रूप भगवान हैं वो मित्रन के मनोरथन को पूर्ण करवे की इच्छा से पधार रहे हैं। सुहृदाशीष दित्सया दित्सया दित्सा मतलब पूर्ण करने की इच्छा, ऐसी इच्छा रख करके एति पधार रहे हैं, ये आपको अर्थ है। या के बाद छेले युगल में कह रहे हैं कि मद विधूर्णित लोचना माने मदसु जिनके नेत्र चढ़े हुए हैं ऐसे स्वयं के संबंधियन को मानदह मान देने वाले और कीर्तिमय वनमाला को धारण करने वाले और कोई अर्धे पके भय बोर के समान पांडु वर्ण मुखारविंद वाले, ठाकुर जी को मुखारविंद कैसा है जैसे बदर बोर होवे ना
वाको बदर कहवा है। वाको जैसो रंग हो ऐसो मुखार विंद प्रभु को। वो कह रहे हैं कि स्वर्ण के कुंडलन की शोभा सु कोमल कपोलन अलंकृत कर रहे हैं मंडयन, मैंने उनके रोम रोम सुप्रसन्नता फूट पड़ रही है ऐसे कहें। और तब क्या हुए है तो कह रहे हैं कि मदोन्मत्त हाथी के समान विहार करने वाले जो मुदित वक्त्र मैंने प्रसन्न मुख वाले यदुपति हैं मैंने श्री कृष्ण हैं दिनांते सायंकाल में ब्रज गवाम ब्रज की गायन को जो असह्य दिन तापम जो दिवस का जो ताप है वाको मोचयन मतलब दूर करते मैं यामिनी पति एव माने चंद्रमा के समान ऐशा उपयाति ये समीप चले आ रहे हैं। तो ये पूर्व जब आ गए प्रभु तो यहाँ युगल गीत की समाप्ति हो जाए। मतलब ये ज्ञान यालिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी जो लीला ब्रज में कर रहे हैं ये यहाँ पे इनको घर बैठे वाको ज्ञान हो रहा है वा अर्थ में यहाँ पे ज्ञान को लीला को अध्याय मानना चाहिए। और बाकी बात चले श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन ये जो ब्रज की स्त्रियां हैं या प्रकार से मतलब युगल गीत के द्वारा कृष्ण लीला न गायती तच्चित्ता मैंने कृष्ण लीला को गान करती भाई उनमें ही चित्त को धारण किए भाई उनमें ही मन रखने वाली और बड़ी सौभाग्यशाली बन के दिन में उन्हीं में रम जाती। तो या तरसु यह युगल गीत की समाप्ति भाई। अब अपन जो है या को अपन स्वस्वर पाठ कैसे करेंगे वाको स्लाइड के माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगा। ये धुन जो है यूँ तो बहुत अवेलेबल हैं इंटरनेट पे लेकिन फिर भी मुकु ये मेरी बनाई भाई मुकु धुन अच्छी लगी तो मैं आप लोगों को या के साथ आपको समर्पित कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताइए। तब तक के सबन को मेरे भगवत स्मरण। Thank you.